1939 में मैं बर्लिन में रहती थी। वो माहौल हलचल और जीवन शक्ति से भरा था। 19वीं सदी के तीसरे दशक में मैंने हिटलर को जर्मनी को बदलते देखा था। एक असहाय, अराजक और लगभग दिवालिया देश से एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाते हुए हिटलर ने नौकरियां प्रदान की, समृद्धि बनाई और जर्मनी की सैन्य शक्ति को बहाल किया, पर हमारी आज़ादी छीन ली। जब मैं बड़ी हुई तब मेरा परिवार पूर्व सिलेसिया में रहने लगा था। अकेलेपन के सन्नाटे में मेरे परिवार ने कभी मेरे राजनीतिक मूल्यों और स्वतंत्र विचारधाराओं को स्वीकार नहीं किया। अपने असफल वैवाहिक जीवन के बाद मैं एक नए जीवन की शुरुआत के लिए निकल पड़ी। मैंने एक पशु चिकित्सक बनने के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और एक पुरानी दुकान को अपार्टमेंट में परिवर्तित कर दिया। वो सितंबर की पहली तारीख थी जिस दिन हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और हमें दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया। एक दिन जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। किसी को नहीं छोड़ना है, यहूदी हमारे दुश्मन है, बम के बदले बम। एक एक को खींच के निकालना है और चुन चुन के मारना है, बम के बदले बम और खून के बदले खून। शी, मैं जानती थी। लॉक करने के लिए मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगी, तुम चिंता मत करो, ये सारा एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। जय हिटलर। जय हिटलर। क्या तुमने पहला प्रसारण सुना? हाँ बिल्कुल, मुझे पशुओं की शारीरिक रचना की संदर्भ पुस्तक चाहिए। जानवरों की शारीरिक रचना? गर्मियों में बहुत आलस आता है, आजकल मैं पीछे चल रही हूं। क्रिस्टा, पोलैंड जैसा एक कमजोर देश हम पर क्यों हमला करेगा? नीना, ये सारी कहानियां पिछले कुछ हफ्तों में अखबारों से आ रही हैं। निर्दोष जर्मनों के खिलाफ पोल्स का अत्याचार। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ दिन पहले हमारे सैनिक बर्लिन क्यों पार कर रहे थे? क्यों पिछले सोमवार से हमारे पास खाने का राशन आ रहा है? हम किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब पोल्स ने शुरू किया। क्या है? तुम्हारे पास अंदर की जानकारी है? ये जानने के लिए अंदर की जानकारी की नहीं, दिमाग की जरूरत है। ये रही तुम्हारी किताब। क्या आज सारा दिन तुम यहीं पढ़ाई करोगी? नहीं, मैं घर जा रही हूँ। तू पता लगाएगा देशद्रोही? तू यहूदियों को बेचता है ना, है ना? बोल सर, हमसे मैंने कुछ नहीं किया सर। गद्दारी करता है, स्वीकार कर, जल बता। आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिए। मेरी दुकान नहीं चलने देंगे हम। आप ऐसा नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। मैंने बोला जाओ यहाँ से।
यहूदियों को बेचता है, चल स्वीकार कर, वरना मैं तेरे दूसरों के मामले में घुसना नहीं चाहिए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? वो एक बूढ़े आदमी है, दादाजी जितने बूढ़े। ये यहूदियों को समान बेचता है? कहाँ है ये यहूदी, दिखाओ मुझे। चल स्वीकार कर, बोल। मूर्ख ठग, जाओ जाकर कुछ और उपयोगी ढूंढो, नहीं तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। किसे करोगी? जनरल वॉन लेगा। कौन है वो? मेरे जीजा जी। अब जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। बोल रहा हूँ, बेवकूफ बना रही है हमें। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। क्या ये आपका है? हाँ मेरा है। आप बहादुर हैं। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, कुछ नहीं करते। गुड आफ्टरनून अभी के लिए। हिटलर ने पोलैंड को अपने कब्जे में कर लिया और यूरोप के माध्यम से जीत हासिल की। हर जीत में एक उत्साह थी। हिटलर का किया हर वादा संभव था। इसी बीच यहूदियों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। वो पहले से ही अपनी नौकरी, व्यवसाय और अपने नागरिक होने का हक खो चुके थे। आगे ही उन्हें जर्मन जीवन शैली से अलग कर दिया गया था। आर्यों के साथ यौन संबंध या शादी करने से मना कर दिया गया था। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं लाचार महसूस कर रही थी। एक दिन फारवन की मौत हो गई और मेरे पुराने स्कूल शिक्षक ने मुझे एक पार्टी में आमंत्रित किया। नीना, फारवन मर गया। आपके लिए फूल। माय डियर, तुम बहुत प्यारी हो। मेरे लिए ये जगह एक बागीचे की तरह है। लाओ, मुझे अपना कोट दे दो। क्या आप इसके लिए भी एक कोना ढूंढ सकती हैं? ओ हाँ, बिल्कुल। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ओह, अच्छी चल रही है। गुड। और हाँ, वैसे तुम यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हो। मैं यहाँ सभी कलाकारों और समर्थकों को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं आपसे मिलने आई हूँ, आशा करती हूँ कि आप मुझे किसी और इंटरेस्टिंग आदमी के साथ ना जोड़ दें। मैं तो आज तक अपने लिए नहीं ढूंढ पाई। ओ, देखो वो लोग छत पर हैं। फॉरएवर डियानोज है, वो मेरे पड़ोसी हैं और वो हैंस विटिंग हैगन है। ये वही हैं जिनको आपने मेरे लिए पसंद किया है? नहीं, वो उस तरह से महिलाओं को नहीं चाहते। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। डियागन्स, उनके दोस्त की पिछले साल मृत्यु हो गई थी। हैंस, रेवरेंड डियानोज आइए और काउंटेस वॉन हाल्डर से मिलिए। रेवरेंड डियानोज, कैसी हो तुम? और ये है हैंस वेटनहैगन। आपसे मिलकर ये काउंटेस हाल्डर। आप कैसे हैं? नए लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। वास्तव में इनके पास लोगों को एक साथ लाने की अद्भुत कला है। मुझे नहीं पता ये इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं। मुझे मजा आता है। और आज हंस इस दोपहर कितने अच्छे से मेरी मदद कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, आपकी पार्टी की तैयारी इतनी जबरदस्त होती है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस गुलदस्ते के लिए शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत फूल है ये। मैं अभी आया। ठीक है। और इस शानदार पार्टी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। फलों की दुकान, साइकिल पर लड़की। आप एक दूसरे को जानते हैं? ओ बिल्कुल नहीं। ओ, फ्रिट्स फ्रीडलैंडर, ये काउंटेस हेल्डर है। काउंटेस? आप लोग बहुत खुश लग रहे हैं, क्या मैं यहाँ से जाऊँ? प्लीज यहाँ आकर देखो, मैं अभी आता हूँ। कितना आकर्षक आदमी है। नीना, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती लेकिन ये लड़का तुम्हें परेशानी में डाल सकता है, तुम इसे बच के रहना। ये लड़का यहूदी है। ओ, आपको उससे बात करने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं जानती हूँ। फिट्ज आकर्षक है, उसकी खुद की मैगजीन भी है, वो कविताएं भी लिखता है, लेकिन नाज़ियों ने उसका प्रकाशन बंद कर हाँ, दिया है। पिछले दो साल उसके लिए काफी बुरे साबित हुए हैं। इसके बारे में पूछना बुद्धिमानी नहीं है एरिका। उसके साथ संबंध रखना बेहद खतरनाक हो सकता है, थोड़ा और ध्यान से रहना।
पादरियों ने हमसे किस मार्गदर्शन की पेशकश की है? क्या बात करती हो नीना? ओ, उन्होंने कुछ नहीं किया। और तुम नीना, तुमने क्या किया? कुछ नहीं, पर सिर्फ बातें की हैं। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है आपको जिम्मेदार ठहराने का। एक्सक्यूज मी, अपने आप पर इतना कठोर ना हो। तथ्य यह है कि आप ठीक हैं। आप जानती हैं कि यहूदियों की तरफ से बोलने के लिए पादरी भी अपने ही अस्तित्व के लिए बहुत चिंतित हैं, और अगर मैं सच कहूं तो मुझे भी इस बात का बहुत डर है कि उनमें से ज़्यादातर खुद भी यहूदियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर उनकी मदद करनी है तो तुम एक आदमी से बात करनी होगी जिसका नाम है आविटसन, नील्स आविटसन, जो स्वीडिश चर्च के सबसे अच्छे इंसान हैं। मैं ये सुझाव आपको कभी नहीं देता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप ये नाम कभी नहीं दोहराएंगी। नहीं, मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। हेलो, तुम यहूदी हो? हाँ। या तो तुम बहुत बहादुर हो या बहुत बेवकूफ। जब तुम जर्मनी से जा सकते थे तो क्यों नहीं गए? मैं कॉर्पोरेट हिटलर को समझ नहीं पाया था। या फिर जर्मन्स को ज्यादा समझ लिया? मैंने नाजी और जर्मन्स को भ्रमित करने की कोशिश नहीं की। ये तुम्हारी उदारता है। नाजीस गायब हो जाएंगे, जर्मनी रह जाएगा। अगर ये सामान्य समय होता तो मैं घर जाकर तुम्हारे कॉल का इंतजार करती कि तुम कॉल करोगे। हर दिन हर घड़ी। मैं सबसे छोटी थी, मेरे बाद मेरा भाई सबसे छोटा था। हम पागलों की तरह लड़ा करते थे। वो एक असली नाजी है, पर पहले ही उसे सब मिल गया था। मेरी माँ की मृत्यु के बाद संपत्ति का हिस्सा सारी बहनों को मिला, पर उस संपत्ति में से मुझे कुछ नहीं मिला। ये तुम्हें परेशान करती है? बिल्कुल, ये मुझे परेशान करता है। गरीबी किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन लगभग मुझे इसके लिए मताधिकार दिया गया है। मैंने अपना जन्म अधिकार खो दिया। तुम्हारा परिवार कैसा है? मेरे पिता जर्मनी में पहले यहूदी जज बने। सच? वो अभी इस दुनिया में नहीं है। अब बस मैं और मेरी माँ रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? मैं अपनी माँ के घर में रहता हूँ। मैं जब जीविका नहीं कमा पाया तब उनके पास चला गया। हमने अपने प्राचीन वस्तुएं, तस्वीरें और गहने बेच दिए। ये हमें जिंदा रखे हुए। माँ जर्मनी के बारे में सोचती है जैसे कि वहां पहले हुआ करता था। मुझे भी इसे देखना पसंद है। तुम अपने माँ के करीब हो? हाँ, वो बहुत ही लाजवाब है। तुम भी उन्हें पसंद करोगी। क्या मैं उनसे मिलूंगी? अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे किस करोगे। हेलो, क्या मैं काउंटेस वॉन हाल्डर से बात कर सकती हूँ? जी, मैं काउंटेस वॉन हाल्डर बोल रही हूँ। ये कॉल गेस्टापो हेडक्वार्टर से। गेस्टापो? गेस्टापो के कर्मचारी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कल सुबह का समय आपके लिए ठीक रहेगा? हाँ, ये सही होगा। अच्छा ठीक है, कल हम आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।
काउंटेस वॉन हाल्डर, आपसे आखिरकार मिलकर बेहद खुशी हुई। मैं आपके पिता को जानता था। मुझे बताइए काउंटेस, क्या आप कभी प्रोफेसर एरिका फेंकियर डव्स की पार्टी में गई थीं? जी हाँ, मैं उनकी स्टूडेंट थी। लगता है आपका काफी मिलना जुलना है उनसे। नहीं, सिर्फ शाम को कभी कभी उनके घर पर। क्या उन्होंने दुनिया के बारे में कभी कोई असामान्य राय व्यक्त की है आपसे? क्या प्रोफेसर को कुछ हुआ है? उन्हें मेरे विभाग ने इस हफ्ते गिरफ्तार कर लिया है। हे भगवान। उन्हें विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उनसे पूछताछ करते वक्त आपका नाम लिया था उन्होंने। कितनी हैरानी की बात है कि आप उनकी गतिविधियों के बारे में जानती थीं। क्या आपको पता है इससे आपके नाम पर क्या असर पड़ेगा? तो अब मैं आपसे सीधे सीधे पूछना चाहूंगा, क्या आपको विश्वास है कि आपके पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? आप मुझ पर कोई आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरी सलाह को ध्यान से सुने। इस तरह के आमंत्रणों को लेकर भविष्य में हमेशा सतर्क रहिएगा। यह मेरा नंबर है, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े या आप मुझे कुछ बताना चाहें तो। और हाँ काउंटेस, प्रोफेसर की फाइलों पर आपका कोई जिक्र नहीं होगा। मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। जय हिटलर। जय हिटलर। हाँ, मैं ही हूँ। मैं काउंटेस वन हेल्डर हूँ। जी हाँ, पास्टर डियानोस की दोस्त, अंदर आइए। मुझे आपसे सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहिए। प्लीज आप बैठ जाइए। मैं सोचकर बीमार हो गई हूँ कि इस देश को क्या हुआ है और यहूदियों के साथ क्या हो रहा है। उनकी मदद करने के लिए कोई तो रास्ता होगा। देखिए, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्वीडिश चर्च यहूदियों की तस्करी का व्यवसाय नहीं करता। दोस्त समय समय पर सहायता की मांग करते हैं, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार हम जर्मन सरकार के अतिथि हैं। लेकिन मुझे विश्वास था। क्या विश्वास था? ये मेरी कल्पना भी हो सकती है। दुख है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो किस तरह? मेरे जानने वाले महत्वपूर्ण जगहों पर काम करते हैं, हो सकता है उन्हें जानकारी हो। पास्टर, मैं वो सब कुछ करना चाहूंगी जो मैं कर सकती हूँ। पास्टर एविडसन गिरफ्तारी के खतरे से यहूदियों को स्वीडिश चर्च में छिपा रहे थे, जब तक उन्हें कोई और नई जगह नहीं मिल जाती। ये यहूदी भूमिगत हो गए थे, सही कागजों के बिना या फर्जी कागजों के साथ अवैध तरीके से रह रहे थे। ये दरवाजा है और मैं तुम्हें इस दरवाजे की चाबी देने जा रहा हूं। मैं
फ्रिट्स और मेरा मिलना बहुत खतरनाक हो सकता था। सार्वजनिक स्थानों पर मिलना असंभव था और मुझे डर था कि कहीं वो फ्रिट्स को मेरे अपार्टमेंट में आते जाते ना देख ले। हमारे बढ़ते हुए संबंधों को देखकर फ्रिट्स की माँ बहुत डरी हुई थी और इसी वजह से वो मुझसे नहीं मिल रही थी। मुझे उनसे मिलने की अनुमति लेने में महीनों लग गए। प्रोफिला अंदर आपका इंतजार कर रही है। माँ, ये है काउंटेस नीना वल्हेल्दर। जब से ये तुमसे मिला है बस तुम्हारे ही बारे में बोलता रहता है। अच्छी हूँ, आप कैसी हैं माँ? ओह, मैं आपके लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ, चाय के लिए। ओह, ये बहुत है। फ्रिट्स, जाओ ये बेटा को दे दो। चेस खेलती हो? नहीं, मैं नहीं खेलती। रिटायर होने के बाद मेरे पति शतरंज खेलते थे उन सभी चालों के साथ जो महान शतरंज खिलाड़ियों की थी। उस समय मेरी मानसिक शक्ति अच्छी थी। लेकिन आज हम यहाँ ये बात करने नहीं आए हैं। बैठो। तो नीना, तुम मेरे बेटे से क्या चाहती हो? हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सही समय है ये बोलने का कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। तब तो हम भी एक दूसरे को समझते हैं। मैं अभिमानी नहीं बनना चाहती लेकिन नहीं लगता कि हम समझते हैं। ओ? जो वक्त मैंने आपके बेटे के साथ गुजारा है, मैंने देखा है कि उसकी जान कितनी खतरे में है और मैं ये सब समझती हूँ। तब तो तुम ये भी समझती होगी कि न्यूरमबर्ग लॉज क्या है। अगर अधिकारियों ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया तो तुम्हें एकाग्रता शिविर में भेज दिया जाएगा और मेरे बेटे को गोली मार दी जाएगी। हाँ, मैं समझती हूँ, पर आप दोनों की जान खतरे में है। क्या सच में तुम जानती हो कि मेरे पति ने पहला विश्व युद्ध लड़ा था? वो बर्लिन में एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश बन गए थे। अन्य लोगों को समस्या हो सकती है लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ ने मुझे पसंद किया। ओह नहीं नहीं, वो बस बेचैन थी। बेचैन? हमें कोई जगह ढूंढनी होगी। क्या हम तुम्हारा घर इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। कुछ नहीं होगा, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। ओह नीना। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। नहीं, मैं नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। हमें एक ऐसे जगह की तलाश थी जो हमारे मिलने के लिए सुरक्षित हो। मेरे परिवार का समर विला बर्लिन के बाहरी इलाके में स्थित था। वो युद्ध के शुरुआती दिनों में ही बंद कर दिया गया था। एक जोखिम भरा समाधान पर एक समाधान। ये विडंबना ही थी कि हमारे घर में कदम रखने वाला पहला यहूदी मेरा यहूदी प्रेमी था। Thank you.
तुम अपने बालों को खोल दो प्लीज। ये सब बहुत अच्छा है। ओ, मेरी दादी एक महान कलेक्टर थी। उनकी मृत्यु के बाद से ये घर बंद पड़ा है। जब हम बच्चे हुआ करते थे तो क्रिसमस के लिए यहाँ आते थे। ये कौन है? मेरी माँ है। कोई भी समानता नहीं है। वो यहाँ अकेले में पैदा हुई थी। वो नफरत करती थी बिल्लियों से, रशियंस, पिलिड्रूमिस, पेटून्स और यहूदियों से भी नफरत करती थी। इसी क्रम में वो यहूदियों से ज्यादा स्पटून से नफरत करती थी। स्पष्ट रूप से महान फैसले लेती हुई एक महिला। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि वो मेरे बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगी। स्पष्ट रूप से महान फैसला नहीं लेने वाली महिला। तुम्हारे पिताजी का क्या, क्या तुम उनके करीब थी? वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मैं जब 13 साल की थी तब उनकी मौत हो गई। जब मैं उनके पास बैठती थी तो वो यहूदियों को पसंद नहीं करते थे। विनम्र हो जाओ तो साथ रहोगे। हम पूरी तरह से लापरवाह हैं। हाँ। तुम जानते हो जो हमने किया वो अपराध है। सबसे अच्छा अपराध जो मैंने वर्षों में किया है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। अगले कुछ सालों में बर्लिन में यहूदियों की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। फ्रिट्ज सहित सभी समर्थ शरीर वाले यहूदियों को जबरन मजदूर श्रम में धकेल दिया गया। दूसरों को इकट्ठा किया गया और एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया।
हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को गेस्टापो और एसएस की नजरों से बचाने की कोशिश की, कभी कुछ घंटों के लिए, कभी कुछ दिनों के लिए। जब तक उनके लिए कोई नया सुरक्षित स्थान नहीं मिल जाता, वो लगातार नए जगहों की तलाश में रहते थे ताकि मौत के खतरे से बच सके। फ्रिट्स भूमिगत जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसके माँ के बिना नहीं, और उन्होंने मना कर दिया। वो कमीना इधर ही आ रहा है। मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन को तोड़ सकता हूं। यहूदियों की गर्दन भी पतली होती है। तुम इन साधारण लोगों के बारे में क्या सोचते हो? छोटे लोग नाज़ियों के लिए सब गंदे काम करते हैं और मुझसे यह सहन नहीं होता। ये सहना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं लोगों के लिए पागल हूं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। लोग कम्युनिस्ट हैं, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। वो यहूदियों के लिए आते हैं, लेकिन मैं यहूदी नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं एक आदमी के बारे में बोल रहा हूं, और वो है एबोनिच्स। चलो सुनो, एक लड़का मर जाता है और स्वर्ग चला जाता है, और भगवान को देख कर कहता है, भगवान ये जगह तो बहुत शानदार है। सुनिए, आपसे एक सवाल पूछू तो बुरा तो नहीं मानोगे? भगवान कहते, नहीं नहीं, पूछो पूछो, क्या ये सच है कि उन चुनिंदा लोगों में हमारा नाम है? भगवान कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें चुना है। तो वो भगवान से पूछता है कि क्या अगली बार आप किसी और को मेरी जगह ले सकते हैं? तुम किस बात के लिए हंस रहे हो? ये समझने के लिए तुम्हें यहूदी बनना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने मुझे? वहां चलो, चलो। तुम दोनों भी चलो। ठीक है, तैयार रहो, उठो चलो। के हाथ इतना भी बुरा नहीं है। हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं। ओ, तुम्हें पता है, काश मैं तुम्हारी माँ को समझा पाती। वो बहुत जिद्दी हैं। वो भूमिगत होने के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करती। आप लोगों को अल्टीमेटम नहीं दे सकते? क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। वो मेरा रेडियो ले गए, मेरा टेलीफोन ले गए, और अब कह रहे हैं कि मेरे रेशम के पोशाक और फर्श भी जब्त कर लिए जाएंगे। मुझे पहले के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं तीसरे के बारे में जरूर जानना चाहूंगी कि वो मेरे रेशमी पजामे के साथ क्या करेंगे। एक मिनट माँ, हमें बात करनी चाहिए। आप देख रही हैं आपके साथ क्या हो रहा है। माय डियर, वो इतना भी बुरा नहीं जितना तुम सोच रही हो। मैं जर्मन हूँ, बर्लिन मेरा घर है। ये उससे भी बुरा हो सकता है। वो यहूदियों को रस्सी से बांध रहे हैं। एक दिन वो लोग आएंगे और वो आकर आप दोनों को ले जाएंगे। मैं क्या कर सकती हूँ? आपको भूमिगत चले जाना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती। आपको आदत पड़ जाएगी। कागजातों के बिना? आपको कागजातों की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन कार्ड के बगैर हमें खाना कैसे मिलेगा? बिना पैसों के? हमें मुफ्त में मिलेगा माँ। मैं अपने पहचान पत्र के बिना नहीं रह सकती। देखिए, आइए बैठिए। क्या आप फ्रिट्स को भूमिगत जाने देंगे? मुझे नहीं पता। मैं उसे अपने घर में छुपा लूंगी। फ्रिट्स एक सुसाइड नोट लिखेगा। आप उस नोट को पुलिस के पास ले जाइए। वो उसे मृत घोषित कर देंगे। मरे हुए आदमी को कोई नहीं ढूंढता। क्या तुमने फिर से इसके बारे में बात की?
जब तक आप भूमिगत नहीं जाते नहीं करेगा। मेरी बात सुनिए, अगर आप रिपोर्ट करती हैं तो आपको शिविर में भेज दिया जाएगा। वो यहूदियों को उसी जगह भेजते हैं? हाँ, वहाँ यहूदी डॉक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिद पर रहें वो आपको निर्वासित कर देंगे फ्रिट्स के साथ। आप दोनों को पोलैंड भेज दिया जाएगा और वहां का सिर्फ भगवान जानते हैं। तुम मां बनने वाली हो? हाँ, मैं जानती हूँ। क्या तुम्हें ये बच्चा चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्या फ्रिट्ज ये जानता है? मैंने उसे बताया नहीं है। तुम एक बहुत ही उलझी हुई लड़की हो। तुम बहुत बलवान हो और बहुत बेवकूफ हो। अब मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। वाह, काफी समय बाद आप एक दूसरे को चाहने लगे हैं। इसे बताओ। क्या बताओ? तुम बाप बनने वाले हो? हे भगवान, क्या तुम खुश नहीं हो? ये बच्चा सब कुछ बदल देगा। फ्रिट्ज, नीना को तुम्हें छुपाने की अनुमति दो। तुम्हें साथ रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये ही एक रास्ता है। ओह, क्योंकि ये एक पागलपन भी है। लेकिन आपका क्या होगा माँ? चलो पहले खाना खाते हैं और फिर हम कुछ मुश्किल काम करने वाले हैं। मेरी प्यारी माँ, जब तक आप इसे पढ़ेंगी मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। ऐसे जीना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका है। अब मैं ऐसे नहीं जी सकता। मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और लिखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपना प्यार भेज रहा हूँ। हाँ, दस्तखत करो। हमें तुम्हारी याद आएगी। अगला कौन है? ये मेरा बेटा है। हाँ, वो मेरे लिए ये खत छोड़ के गया है। हमारे पास बेकार के कामों के लिए वक्त नहीं है। लेकिन मुझे ये डर है कि मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली है। मेरी बात सुनिए, आपको मालूम है हजारों यहूदी अपनी जान दे चुके हैं। अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कागजात दिखाइए। क्या मैं आपके कागजात देख सकता हूं?
मेरे साथ चलो चलो। तुम्हें बहुत देर हो गई। मुझे बर्लिन को आखिरी बार देखना था। मुझे डर नहीं लगता। Yes. मुझे ही ले जाने दो। ये कोना तुम्हारा है। मैंने पर्दे ऊपर लगा दिए हैं, तो ये तुम्हारे लिए अपार्टमेंट में सबसे सुरक्षित जगह है। यहाँ गलियारों में हर कमरे में खिड़की है। तुम्हें खिड़कियों के पीछे रहना होगा और फर्श पर झुक कर चलना होगा, नहीं तो तुम सड़क या दूसरे आंगन से लोगों को दिख सकते हो, या फिर उस कोने से भी। चलो कुछ पीते हैं। इससे पहले कि हम कुछ जरूरी बात करें, फ्रिट्स, थैंक यू, स्वागत है। फ्रिट्स, कभी भी बाहर के किसी भी दरवाजे को मत खोलना, कभी टेलीफोन का जवाब मत देना, कभी कोई कॉल मत करना। मुझे फोन के बारे में पता नहीं, लेकिन क्या मैं रेडियो सुन सकता हूँ? सिर्फ जब मैं रहूं। जब तुम अकेले रहोगे कभी भी रोशनी मत करना सिवाय इसके। पानी मत चलाना और बाथरूम में फ्लश मत करना। बस इतना ही? नहीं। फिर क्या? जब तुम पेशाब करो तो बैठ कर करना। ओ नीना, आती मत करो प्लीज। लोग इस तरह पकड़े जाते हैं फ्रेंड्स। मैं जानता हूं। वहीं से शुरू करो। झुक जाओ। क्या शुरू करूं? झुक जाओ। क्या वो खिड़कियां सुंदर नहीं है? तुम ज्यादा खिड़कियां देख सकते हो फ्रिट्स। कुत्ते की तरह या बिल्ली की तरह? ओके। ओह, हम बचपन में यहां छुपा करते थे। तुम्हारा मतलब कभी नहीं? डार्लिंग, ये बस इमरजेंसी के लिए है। यहां तक कि अगर डॉक्टर गिनर्स भी दरवाजे तक आए। अंदर जाओ, अंदर जाओ। कौन है? मैं हूं हर्षमित। ओ, अभी मैं सोने जा रही हूँ हर्षमित। ये मेरा पालतू है काउंटेस, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, क्या मैं इसे अंदर लेके आ सकती हूँ? जल्दी में हूँ। अगर तुम इसे अभी देख लो तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। ठीक है। काउंटेस, मुझे क्यों बाहर कर दिया? मुझे अंदर कुछ काम है। अब क्या है हर्षमित? मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी चाबी। कृपया, क्या मैं उसे वापस लेके आ सकती हूँ? क्या तुमने सभी रन कॉपी कर दी है? मैं शुक्रवार को आना चाहूंगी और अच्छे से पूरी सफाई कर दूंगी ताकि सप्ताहांत तक ये जगह सुंदर बन जाए। मैं बहुत जल्दी में हूँ हर्षमित। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मैं अब तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। ऑफिस में लेट हो जाता है, टाइम नहीं मिलता।
लेकिन मैं तो यहाँ बहुत पहले से हूँ। मैं जानती हूँ, तुम मुझे बाद में पैसे दे सकती हो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। अच्छा, मुझे फिर भी चाबी चाहिए। मैं इस बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे देर हो रही है, हम बाद में बात करते हैं, कृपया करके। मैं अपने पक्षी के लिए तुम्हें कॉल करूंगी। मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम मुझे चाबी दे दोगी। हे भगवान, ये सड़कों की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। पहला दिन, पहला महान दिन, अब आगे क्या होगा? ओ फ्रिट्स, ओ मुझे माफ कर दो। मैंने टूल्स बॉक्स में देखा, हजारों बकल्स थे उसके अंदर। क्या इससे कुछ मदद मिल सकती है? अंदर का ताला तैयार है। इसका स्प्रिंग कैसा है? हाँ, ये काम कर रहा है। बंद, बंद। बढ़िया है। अब अंदर सांस लेने के लिए कुछ करना होगा। बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। नहीं, हमें देखकर उसे अपने साथी की याद आ रही है। मैंने अभी उसे कुछ मेडिसिन दिया है। तुम जानते हो ना, ये सब वेटरनरी का काम है। क्या मैं भारी हूँ? नहीं, लेकिन हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उसे कोई परेशानी तो नहीं कि मैं उसकी माँ से बहुत प्यार करता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हमें सुन सकता है, मेरी धड़कन और तुम्हारी भी। ये कितने का है? 20 पैसे। उसने मुझे काम से निकाल दिया, पता नहीं क्यों। पर ऐसे कैसे कर सकती है? वो कुछ तो बात जरूर होगी। मैं बहुत पहले से यहाँ काम करती हूँ। हाँ, ये बात सही है। क्या उसे किसी और को काम पर रखा है? उसे इस तरह मुझे नहीं निकालना चाहिए था। सही कह रही हो बहन, ऐसा कैसे कर सकती है वो तुम्हारे साथ। मैं बाद में आऊंगी। अच्छा ठीक है, और पता करती हूँ कि क्या हुआ है। बिल्कुल।
जब से फ्रिट्स मेरे घर में रहने लगा, मेरा काम स्वीडिश चर्च के साथ और भी मुश्किल होता गया। मुझे फ्रिट्स या किसी को भी मेरे भूमिगत के साथ संबंधों के बारे में बताने की अनुमति नहीं थी। उसे कभी भी वहां से गेस्टापो के द्वारा उठाया जा सकता था। शुक्रिया। ये मैं तुम्हारी माँ के बगीचे से लाई हूँ, तुम इसे यहीं छुपा कर रख सकते हो। कैसी है? बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे तुम्हें बड़ी झप्पी देने को कहा है, बड़ी वाली। ओह, मैं इसका बड़ा फायदा उठाने वाली हूँ। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। लाओ इसे, मैं किचन में रख देती हूँ। ये कैसी खुशबू है, ब्रेड है क्या? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेड बनाया, देख कर आओ। तुम किचन में गए थे? मैंने रसोई का तरीका ढूंढा, कोई देख नहीं सकता। फ्रिज से खुशबू हमें खतरे में डाल सकता है। मुझे ओवन में रसोई करने की अनुमति नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं घर में बत्ती नहीं जला सकता, बत्ती बुझा नहीं सकता, मैं अपने जूते नहीं पहन सकता, मैं रेडियो नहीं सुन सकता। नहीं। क्या मैं तुम्हारे पक्षियों से बात कर सकता हूँ? मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो, बस ऐसे मत करो। मैं पर्दे डालने जा रही हूँ। मैं तुमसे कभी भी ऐसे बात नहीं करूंगी। ये क्या है? हम विश्वास की चट्टान के साथ खड़े हैं और अंत का सामना कर रहे हैं। हम जहां गिरना है वहां गिरना ही है। चलो, हमें और आगे बढ़ते चलना है। हमें पता है कि हमें किसने जिंदा रखा है। हम खड़े हैं और पुल को बंद किए हुए हैं। बढ़िया है। क्या तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बिल्कुल। तुम थकी हुई लग रही हो। तुम्हें मेरे हैंडबैग में झांकना बहुत अच्छा लगता है, है ना? ये तो मजेदार है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मार्केट से। सोचा बैग में रख लेती हूँ। देखता हूं मैं आज इसमें और क्या क्या है। ये क्या है? लंशाई W50। ये तो वो, ओ हाँ, ये उनके लिए है जिनके पास पालतू जानवर है, यू नो, बड़े जानवर। मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? बड़ी एक आंख वाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पास्टर ने आपके बारे में कुछ चीजें बताई हैं। एरिका, हे भगवान, वैसे आपकी बिल्लियां कैसी हैं? बिल्लियां? हाँ, बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, मुझे इनके बारे में काफी कुछ पता है। अच्छा, ये जान के खुशी हुई। मैं आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका गेस्टापो में रिकॉर्ड कैसा है? मैं जानती हूँ वहां बहुत सारे विभाग हैं, पर जवाब देना काफी मुश्किल है, क्योंकि मेरे बारे में जो लोग भी जानते हैं सब गायब हो चुके हैं। मैं मां बनने वाली हूं और बच्चे का बाप यहूदी है। हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे पिता का नाम चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं कर सकते। क्या आप उसके पिता बनेंगे? ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मुझे खुशी होगी।
आपको वो कॉफी पसंद थी ना? मुझे लगता है कि मुझे ब्रांडी की जरूरत है। ये लंदन कॉलिंग है, नॉर्थ अफ्रीका। कल रात ब्रिटिश और अमेरिकी सैन्य दल मोरक्को और अल्जीरिया के तट पर उतरे। अफ्रीका में वो अभी मजबूत प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई आज जारी है। जल्दी आओ बेटा, अंदर कमरे में जाओ। चलो इधर बैठो। फ्रिट्स तुम बाहर आ सकते हो। बेटा है, तुम लॉक खोल सकते हो। तो मेरी माँ है राइट? क्या वो उन्हें लेने आ रहे हैं? अब मैं क्या करूं? थोड़े बहुत ज्वेलरी आइटम्स ले लो, चांदी और पैसा। उनके कोट और स्कर्ट में सी दो, एक ही बक्से की अनुमति है। गर्म कपड़े और दवाइयां मत भूलना। ये नॉर्मल प्रोसेस है, मैं 12 से 3 के बीच में आऊंगी। इतनी जल्दी? फ्रिट्स, ओह, इतनी जोखिम में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आपसे मिलना था माँ। यहाँ कर्फ्यू लगा है। मैं जानता हूँ माँ। मेरा बेटा क्या करता रहता है? ओह, ब्रेड पकाया, कविताएं लिखी, घर साफ किया। ओह, मेरा बेटा साधु बन गया? इससे पहले इसने ये सब कभी नहीं किया। विश्व युद्ध शुरू होने के बाद ही इसे अकल क्यों आई? क्या आप तैयार हैं माँ? क्या आप ठीक तरह से संगठित हैं? जी शुक्रिया, मेरे पास एक टूथब्रश और एक दर्जन साबुन है। बेटा ने इतनी सारी चीजें मेरे कपड़ों में भर दी हैं कि मुझे जहाज लंगर की तरह महसूस हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे तुम्हारे पिता के नाम में से एक नाम देना। वो तुम्हें देखने के लिए कोर्ट के बीच में से तुम्हारे पास आ जाते थे। माँ, जब ये सब खत्म हो जाएगा, जब सारे नाजी चले जाएंगे, तब आप अपने पोते के साथ रहना। हम सब साथ रहेंगे, हम सब। आप जरूर देखना माँ। काम करने के लिए फॉरफिट ग्लेंडा, हमने सही काम किया। फिर तुम्हें यहां नीना के साथ नहीं रुकना चाहिए। याद रखो कि मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूं। मैं वादा करती हूं फ्रिट्स, मैं जिंदा रहूंगा। मैं भूल गई, मेरे पास कुछ है। ये लो। नहीं, तुम्हें लेना होगा, जरूर लेना होगा। क्या माँ? मैं बता रही हूँ कि ये बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है और बहुत भावुक। मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहूंगी। तुम्हारे लिए प्यार। मेरी जिंदगी इतने शानदार तरीके से शुरू हुई। और अब थोड़ी कड़वी है। प्लीज जाओ।
फ्रिट्स, मुझे मुझे लगता है कि तुम जेलर हो। एक आदमी है जिसे रहने के लिए जगह चाहिए। हम उसकी मदद करेंगे, शायद वो भी हमारी मदद करे। स्वागत है। क्या मैं तुम्हारा? शुक्रिया। मैक्स, ओ मैक्स, वे चुने हुए लोग। हमने एक साथ काम किया है। हाँ, सच में तुम्हें देखकर अच्छा लगा। समय तेजी से गुजर रहा था जिसे हमने एक धमाके में बदल दिया था। मैक्स की उपस्थिति ने फ्रिट्स के हौसले को बहुत बढ़ा दिया था। वो स्वीडिश चर्च की तरफ से भेजा गया था, पर भूमिगत से मेरे किसी भी संबंध के बारे में नहीं जानता था। मैं समझ रही हूँ, कल सबसे पहले मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तुमने पता याद कर लिया ना? हाँ बिल्कुल। वहां जल्द से जल्द पहुंचना। मैं कोशिश करूंगा। गुड लक। शुक्रिया। ये तहखाने से बहुत अच्छा है। तुम्हें बाहर से कोई देख लेगा, प्लीज। ठीक है दोस्त, कोई भी सर खिड़की से बाहर निकाल के नहीं देखेगा। रुके रहो। ये बहुत खतरनाक है। ओके ओके, जल्दी करो। ये लो जल्दी मैक्स। ओके ओके, चलो पीते हैं, पीते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे फ्रीज, तुमने सुना क्या? हिटलर को भी बुरे सपने आ रहे हैं। हाँ ये सच है, हिटलर के सपने में एक देवदूत आए थे और उन्होंने उसे आदेश दिया कि हिटलर तुम यहूदी के छुट्टी वाले दिन मरोगे। और पता है हिटलर ने उनसे क्या कहा? किस यहूदी छुट्टी के दिन? और फिर पता है देवदूत ने कहा कि जिस दिन तुम मरोगे उस दिन यहूदियों की छुट्टी। ओके ओके, चीयर्स। आई एम चीयर्स तुम्हारे लिए। तुम इसका मतलब जानते हो? क्यों नहीं। वाह, जिंदगी के लिए। हाँ जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए। ये बहुत ही बेकार है कि तुम्हें आयरिश नहीं आती। वेल, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी कुछ पढ़ाया नहीं। मुझे पता नहीं था कि उन्हें खुद पता है या नहीं। अगर उन्हें पता होता भी तो शायद वो तुम्हें नहीं सिखाते, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम एक बढ़िया जर्मन बॉय बनो। क्या तुम्हारी माँ को केयरलेस और शब्बूस पसंद थे? नहीं। क्या तुम बार मिजवाहिद गए हो? नहीं। क्या तुम कभी भी वहाँ गए हो? हाँ बिल्कुल,
मैं अपने कजिन के बार मित्र जोहेत में गया। तब तो तुमने वो मशहूर गाना जरूर सुना होगा। कभी कभी। और जब तुमने घर छोड़ा तो तुमने बिल्कुल ही जाना छोड़ दिया। बहुत शर्मनाक है। माँ तुम्हें याद है मैं यहाँ कैसा हूँ, बहुत ही बुरी हालत में। तुम्हें याद है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ओ इज़राइल। द लॉर्ड, डॉक्टर लॉर्ड, हमारे भगवान, भगवान एक हैं, राइट? मोए इज़राइल, आई डोंट नो ए खोए। मोए इज़राइल, आई डोंट नो ए खोए। मोए इज़राइल, आई डोंट नो ए खोए। मोए इज़राइल, आई डोंट नो तुम दोनों पागल हो। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे माफ करना। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, ये फ्रिट्स फिटलैंडर के बारे में है। वो तुम्हारे साथ काफी लंबे समय तक रह चुका है। वो तुम्हारा मामला है, उससे मुझे कुछ नहीं लेना। हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। अगर तुमने इसे जारी रखा तो तुम्हें कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, आप गलत हैं नील्स। हमने अपने आप को बचाने के लिए सभी सुरक्षित कदम उठाए हैं। आपको पता है मैंने बॉम्ब को भी निकाल दिया क्योंकि वो शोर करता था। क्लीनिंग लेडी को भी निकाल दिया। कोई विजिटर्स नहीं आते, मैं अपने फैमिली से भी नहीं मिलती हूँ। एक बहुत ही अच्छी छुपने की जगह है जहाँ फ्रिट्स छुप जाता है, मैं उसे हमेशा छुपा के रखती हूँ। वो अंदर ही रहता है और हमेशा बेसमेंट में ही रहता है। वो बेबी, मैंने उसका पहले ही इंतजाम कर दिया है। एक दोस्त है जो उसे पिता का नाम देगा, एक भरोसेमंद दोस्त। मैं आपको भरोसा दिला सकती हूं कि बर्लिन में और कोई सुरक्षित जगह नहीं है। सोच रहा हूं कि अभी पिडानस कहां होंगे। ये सभी अजीब फोन कॉल जो तुम्हें आ रहे हैं, मैं नहीं बता सकती। तुम मुझे नहीं बता सकती? नहीं बता सकती। क्यों नहीं? मैं किसी और पर भरोसा या विश्वास नहीं कर सकती। इन सब बारे में अब नहीं सुनना चाहती, बस ये सब। लानत है मुझ पर। शुक्रिया। ये सब कॉल्स कैसी है मुझे बताओ। भगवान के लिए, मैं और जोखिम नहीं उठा सकती। तुम समझ सकते हो, चारों तरफ खतरा है। अभी यहूदी भी गेस्टापो के लिए काम करते हैं। उन्होंने हमारे आदमी पकड़ लिए हैं। कब से? पिछले कुछ हफ्तों से। तुम्हें कैसे पता? ये सब कौन बताता है तुम्हें?
क्या तुम समझ नहीं रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई हो। अगर तुम मुझे दूर करोगे तो मैं मर जाऊंगा। तुम नहीं समझते कि मैंने मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है? हमें मजबूती से रहना चाहिए फ्रिट्स, कस कर पकड़ना होगा। अभी कुछ और भी है, ये बच्चा। भगवान के लिए मेरा विश्वास करो। अंदर आइए। हेलो। हेलो। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। नर्स, इसे क्या आप रख देंगी? सब ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कुछ फल भी लाया हूँ। ओह, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहाँ से मिला? कैसा महसूस कर रही हो? मुझे समुद्री वेल की तरह महसूस हो रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? पिता बनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो काफी सम्मानित। मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं ही करने वाली हूँ। जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। क्या हुआ है? एक छोटा बेबी। हमारा बच्चा? वो बहुत ही छोटा था। बहुत छोटा? तुम्हारा मतलब क्या है? हमने उसे एक इंक्यूबेटर में रखा था। बमबारी के दौरान जनरेटर बंद हो गया था और कई घंटों तक हमें बिजली नहीं मिली। जिंदगी थी, मैंने उसे अपने बाहों में लिया था, उसे छुआ था। मैंने उसे छुआ था। वो चला गया। प्लीज बात मत करो। ४३४ के शुरुआत में निर्वासन से बर्लिन में रहने वाले यहूदियों की आबादी घटकर 20,000 हो गई थी, अपने मूल संख्या का आठवां भाग।
ग्लोबल्स ने आखिरकार हिटलर को बाकी बचे यहूदियों को निर्वासित करने के लिए राजी करा लिया। वो आखिरी समाधान था। बीते कल जो बर्लिन चुने गए थे उन्हें बर्लिन से बाहर कर दिया गया। ट्रक बिना चेतावनी के कारखानों में घुस गए और सभी यहूदियों को उसमें भरकर बाहर ले गए। हरामजादे कहेंगे। हाँ, सभी यहूदियों को इत्तला कर दी गई थी और वो सब शहर के चारों तरफ छुपे हुए थे। हर एक यहूदी जो भूमिगत है उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश जारी। कहाँ? कहीं भी जहाँ वो पहुंच सकते थे। क्रिश्चियन घरों में, दोस्तों के पास में, जहाँ भी वो छुप सकते थे। मैं क्या कर सकती हूँ? नीना, तुम्हें और जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। मैं करना चाहती हूँ, मैं और भी ज्यादा करना चाहती हूँ। क्या तुम इसका इस्तेमाल करना जानती हो? हाँ, मुझे लगता है। और अगर तुम्हें पूरी रात बाहर रहना पड़ा तो? मैं फ्रिट से कह दूंगी कि मुझे नया काम मिला है। कुछ यहूदी यहाँ छुपे हुए हैं इस पते पर। आज रात ही अच्छा रहेगा। एक मिनट रुको। हम सभी यहां हैं। ओशे, जल्दी आओ। तुम पीछे क्यों रह गए? जल्दी आओ, हम सबको साथ रहना चाहिए। और कोई सवाल पूछना है? चलो चलते हैं। क्या बात हो गई? क्या चाहिए तुम लोगों को? तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? काम पर सो रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उधर देखो कितनी रोशनी है। तुम कानून तोड़ रहे हो। चलो चलकर देखते हैं। हटो हटो यहाँ से। चलो अंदर चलो। सब आराम से है, सेटल हो जाइए। पूर्ण रूप से बिल्कुल शांत हो जाइए। इस तरफ। उधर देखो कोने में, अच्छे से छानबीन करो। तुम लोग अंदर जाकर अच्छे से छानबीन करो। क्या मुझे भी सिगरेट मिलेगी? ये पकड़ो।
मैं गोली चला दूंगा। चलो चलो नीचे उतरो, चलो जल्दी करो, कोई भी भागने की कोशिश ना करे, सबके सब यहीं रुक जाओ, सब मारे जाओगे। रुको, भागने की कोशिश मत करो। हे तुम रुक जाओ, रुको, मैं कहता हूँ रुको। चलो, मुझे घोड़ों से चोट लग गई, भाग्य से मेरी आंखें बच गई, मैं तो उन्हें बस दवा देने के लिए। तुम्हें तो ज्यादा लग गई है। मैं बहुत थक गई हूँ। ये सब क्या चल रहा है नीना? मैं जानना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी भी शामिल है। आभारी रहो कि तुम्हारे पास जिंदगी है। तुम ये जोखिम उठा रही हो, मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या होता अगर तुम वापस नहीं आती, अगर तुम्हें वो मार देते? रुको, दो दिन में हमें घर छोड़ना होगा। अब समझा। मैं स्वार्थी नहीं हूं फ्रिट्स, पर और भी लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। क्या वो तुम्हारे साथ सोते हैं? प्लीज, ब्रेड सेकते हैं? प्लीज फ्रिट्स, क्या वो मुझसे ज्यादा जरूरी है? तुम जिंदा हो ना? देखो, मैं समझती हूं, अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन जर्मनी नहीं छोड़ोगे। कभी छोड़ना भी नहीं चाहते थे, ना अभी, ना 38 में जब तुम जा सकते थे। तुम जाओ, तुम यहूदी, तुम जर्मनी में रहते हो। मैं सिर्फ यहूदी हूं, मैं जर्मन भी हूं, जैसे तुम जर्मन हो वैसे ही हूं। मैं यहूदी भाषा बोलकर बड़ा हुआ हूं, जर्मन बोलकर बड़ा हुआ हूं। मैं यशिवा नहीं गया, मैं जर्मन स्कूल गया था। ना मैंने कोई विशेष कपड़े पहने, ना खाना खाया। मैं एक जर्मन की तरह रहता हूं, मैं जर्मन के जैसे सोचता हूं, मैं जर्मन के जैसे पला बड़ा, मेरे नस नस में जर्मन है। काउंटेस के साथ रहना तुम्हें ज्यादा जर्मन बना देता है। एक यहूदी के साथ रहते तुम जर्मन कैसे बन जाती हो? कौन जानता है, शायद दोनों ही बयान सही हैं। फिर क्या बचा है? मुझे नहीं पता, कल निकलना है। ओह फ्रिट्स, oh.
अगर ये साधारण समय होता तो यहाँ और भी जवान लोग होते इधर उधर घूमते हुए। हाँ बिल्कुल, कुछ समय पहले मैं यहीं पर रहा करता था। सच में? उस समय ये बहुत ही प्यारा था। अगर मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, ठीक हूँ। मुझे सामान्य रूप से किसी सज्जन से बात करने का मौका नहीं मिलता है। मैं समझ सकता हूँ। मैं काम के सिलसिले में शहर के हर कोने में जाता हूँ, लेकिन मुझे शांति चाहिए। तुम्हें तुम्हारा काम पसंद नहीं आता? आता है पर बहुत कम। मैं समझा नहीं। मैं यहूदियों को पकड़ता हूँ। मैं एक यहूदी कैचर हूँ। मैं उन्हें बस पकड़ता हूँ ट्रेन्स में, कैफे में, और पुलिस को सूचना देता हूँ। इतना बुरा काम भी नहीं है। मैं खुद एक यहूदी हूँ और यहूदियों को पकड़ता हूँ, और यही मेरा काम है, मुफ्त का काम। फिर तुम क्या करते हो? अगर जिंदा रहना है तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। पूछ सकता हूं कि क्या तुम्हारे पड़ोसी भी यहूदी थे? मुझे इस बारे में पता नहीं, ये बहुत पहले की बात है। यस, मैं जानता हूं। ओह, मुझे तुम्हारा और समय नहीं लेना चाहिए। मुझे तुमसे बात करके बहुत खुशी हुई, सच में। शुक्रिया। तुम्हारी छुट्टी है काउंटेस? बढ़िया है। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं फार्शमित। तुम थके हुई लग रही हो। आज अच्छे से आराम करो। बहुत सुंदर धूप खिली है। ओ, तुम एक कुर्सी लेकर बाहर क्यों नहीं बैठ जाती? तुम्हारे दरवाजे पे कोई घंटी बजा रहा है काउंटेस।
तुम भूल गई थी शहर को तुम कितना चाहती हो। मैं भी चाहता हूं। यहां की सड़कों से प्यार है, यहां की हवा, ये मेरा शहर है। वेल, हुआ करता था। देखने में ही इतना स्वादिष्ट है, देखते ही भूख लग गई। बाहर लेके आ रही हो ना? नहीं हर्षमित, आज मैं घर पर ही आराम करूंगी। उफ, ये औरत। क्या तुम अंदर आना चाहोगे? तुम यहां आराम से हो? शुक्रिया। फ्रिट्स कुछ है जो मैं थोड़े समय से जानती हूं। ये शिविर जहां यहूदियों को भेज रहे हैं बहुत बुरा है, हम सोच भी नहीं सकते। कोई भी जो इन्हें बर्लिन में मिल जाए उसे शिविर में ले जाते हैं और जिंदा जला देते हैं। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। फिर मेरी माँ का क्या हुआ? जहां तक हमें पता है वो अभी सुरक्षित हैं। वो अभी भी एक शिविर में हैं। मैं कुछ लोगों के साथ जुड़ी हुई हूं, कुछ बहुत ही अच्छे लोग। हम यहूदियों को छिपाते आ रहे हैं। अब ये सब क्यों बता रही हो? अभी इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हमारे पास लोगों को जर्मनी से बाहर भेजने का एक रास्ता है। मैं चाहती हूं कि तुम उन लोगों के साथ चले जाओ। वो कैसे जा रहे हैं? ट्रेन से। क्या मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा? मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो और जिंदगी भर तुम ही रहोगे। मैं चाहती हूं कि तुम जाओ। मैं चाहती हूं। जल्दी करो, जल्दी। भगवान के लिए जल्दी करो। यही है। आखिरी बॉक्स कहाँ है? तुम्हारे पास खाना और पानी है? खाना और पानी? इसे बंद करो। Thank you.
मैं नहीं जा रहा। मैं पूछ भी नहीं सकती क्यों। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नीना, इससे अच्छा मैं मर जाऊंगा। चलो चलते। ४३ और १९४५ के बीच में बमबारी बढ़ गई। ब्रिटिश हवाई छापे रात को पड़ते थे हजारों टन से। दिन में अमरीकी हमलावर भी आ गए। 50,00,000 लोगों का हमारा शहर खंडर का खोल, लाशों का मलवा और धूल मिट्टी बन चुका था। एक दिन मुझे एक बच्ची मिली। वो अपने परिवार वालों से बिछड़ गई थी। उसे लूसी कहकर पुकारते थे। मुझे मेरी माँ चाहिए। सुनो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम कल तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए सब कुछ करेंगे। अभी मेरे साथ चलो। चलो आओ। ये बहुत खतरनाक है। मैं कल तुम्हारी चलो वहाँ से भी उठा लेते हैं। अभी चलो। अरे ये तो बहुत भारी है। ये बहुत खतरनाक है। चलो चलो यहाँ से भी उठा लो। बहुत भारी है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो यहाँ से जल्दी करो। फ्रिट्स, ये लूसी है। कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेगी। हेलो लूसी। आओ। इधर फ्रिट्स के पास बैठो। फ्रिट्स एक बहुत अच्छा इंसान है। ये कविताएं लिखता है और ये यहीं रहता है। केवल परेशानी यही है कि अभी भी कुछ बुरे लोग हैं जो फ्रिट्स को ढूंढना चाहते हैं और अपने साथ ले जाना चाहते हैं और उसे मार देंगे। वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है। तुम उसे क्यों नहीं दिखाते? ठीक है, ठीक है। आओ लूसी, देखो जब वो बुरे लोग आते हैं तो मैं यहां छुप जाता हूं। अब ये नहीं है, बाहर आओ। लूसी, अगर कोई तुमसे पूछे कि यहां कोई आदमी रहता है तो तुम कहना नहीं, यहां कोई नहीं रहता, समझी तुम? याद रखना, फ्रिट्स अदृश्य है। जय हिटलर। जय हिटलर। गेस्टापो, तुम काउंटेस वन हेल्डर हो? हाँ। हमारे पास ऑर्डर्स हैं आपके अपार्टमेंट की तलाशी के लिए। हमें लगता है कि आपके साथ यहाँ एक यहूदी रहता है। क्या बकवास है, सिवाय लूसी के यहाँ मेरे साथ कोई नहीं रहता। बमबारी ने इसे बेघर कर दिया, अब ये यहीं रहती है। क्या ये यहूदी है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम यहाँ किसी भूत की तलाश कर रहे हैं। वहाँ नीचे कौन है? जय हिटलर। जय हिटलर। नीचे कोई नहीं है।
मैंने वो रूम चेक कर लिया है, वहां बाहर जाने का एक और रास्ता है। आओ। मैं चाहता हूं कि तुम वहां भी देखो। क्या तुम्हारे पास सीढ़ी है? हाँ। लेके आओ। क्या बेहूदगी है। वहां लूसी, यहां आओ, यहां आओ। क्या बताओगी ये किसका है? दो साल पहले मेरा एक बच्चा था, उसके पिता ने यहां काफी समय बिताया। वो अभी कहां है? बर्लिन में। उनका नाम? हैंस विटनहैगन। मैं आपको उसका पता दे सकती हूँ। लेटर बेब्स, इधर आओ। लूसी, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ यहाँ कौन रहता है? कोई नहीं, बस मैं और नीना। हमें पता है कि यहाँ कोई और भी रहता है तुम्हारे साथ लूसी। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे साथ पूरा भी हो सकता है। मुझे बताओ यहाँ कौन रहता है लूसी? सिर्फ मैं और नीना। आप मुझे कष्ट दे रहे हैं। सिर्फ तुम और नीना? हाँ। पहले इसके पीछे देखो, फिर वहां भी देखो। तुमने पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है? हाँ। तुम काम करती हो? मैं घोड़ों के साथ इमरजेंसी काम करती हूँ। क्या आपका काम खत्म हुआ? इसे कैसे खोलते हैं? ये नहीं खुलता है, कभी खुला ही नहीं। उठो। ये इतना भारी क्यों है? ये भारी है क्योंकि इसमें भारी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। ये बचपन से यही है, ये बहुत कीमती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खोलो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये नहीं खुलता। ये राक्षसी व्यवहार है, अगर तुमने इसे हानि पहुंचाई तो इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें हमारे साथ सहयोग देने का मौका देता हूँ और सच्चाई बताने का भी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंदर कोई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खोल दो। कोई ना कोई इसके अंदर है। क्या तुम खोलोगी? मैं नहीं खोल सकती। तुम नहीं खोलोगी? रसोई घर से कुल्हाड़ी लेके आओ। वेल काउंटेस, शायद हमें गलत जानकारी मिली है। गेस्टेपो इस नुकसान की भरपाई कर देगा। अच्छा है, चलो। जय हिटलर। जय हिटलर। जय हिटलर। जय हिटलर। मुझे नहीं पता लूसी। हे भगवान, कहां
थे तुम? वो सामने के दरवाजे से आ गए थे। भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि सोफे तक जाने का वक्त नहीं था। लेकिन तुम थे कहाँ? वहाँ। लूसी अदृश्य है। अप्रैल 1945 रशियंस ने फिर से बमबारी कर दी। चार रशियन सैन्य ने बर्लिन को घेर लिया था। उनके पास प्रत्येक मील के लिए चार बंदूक का स्थान था। बमबारी दिन रात चलती रही। वो लड़ते लड़ते शहर के अंदर आ गए। सारे रास्तों पर, घरों में। हिटलर के युद्ध में कुल 200 लाख रूसी लोग मारे गए। हमने दया की कोई उम्मीद नहीं की थी। छुप जाओ। ये रहा, इधर देखो, मिल गए। इधर आ जाओ। ये रहे, पकड़ो इन्हें। सच सच बताओ, तुम जर्मन नहीं हो ना? मैं जर्मन नहीं हूँ। वो यहूदी है। फ्रेंड्स, झूठ मत बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो। प्लीज प्लीज जल्दी चलो। चलो। नहीं प्लीज। नहीं, वो यहूदी है। नहीं हूँ। प्लीज 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 प्लीज। वो यहूदी है। प्लीज प्लीज। चल चल। प्लीज उसे छोड़ दो। चलो। प्लीज। वो यहूदी है। सीधा। नीना। इलोके, शुमाया, इज़ेल। तुम यहूदी हो? यहूदी हो तुम? इलोके, शुमाया, इज़ेल, इज़ेल। ये सच बोल रहा है। छोड़ दो इसे। चलो चलो यहाँ से, चलो। बाकी लोगों को ढूंढो, जल्दी करो, चलो। कोई बचने नहीं चाहिए। चल दे। जय हिटलर। के कुछ समय बाद मैंने और फ्रिट्स ने एक नागरिक समारोह में शादी कर ली। हमने लूसी के रिश्तेदारों को ढूंढ लिया था, जिन्होंने लूसी को अपने बच्चों के साथ बड़ा किया। फ्रिट्स की मां को 1943 में दूसरे शिविर में भेज दिया गया और वहां एक गैस कक्ष में उनकी मौत हो गई। और फ्रिट्स, उसकी भी मृत्यु 1974 में हो गई। और मैं जिंदगी जीती रही बर्लिन में।